ओके नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीवीजी एक्सट्रीम की सर्विसिंग और साथ में साथ इसका जो फिल्टर है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर और साथ में से एक मेस वायर है उसको साफ़ करने वाले हैं। एक तरह का मेस फिल्टर ही होता है, उसको हम खोल के साफ़ करने वाले हैं। तो इसमें जो पार्ट है वो मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या लगेगा। अब जब इसको आप खोलेंगे तो इसमें गैसकेट आएगी, उस गैसकेट का जो पार्ट नंबर है वो ये रहा, ठीक है जी। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या किसी भी हीरो के ऑथराइज डीलर में से वहाँ से भी मिल सकता है। तो ये कब कब आपका साफ़ होना चाहिए, हर 30,000 किलोमीटर में ये साफ़ होना चाहिए या जब आपकी गाड़ी दोबारा रीबिल्ट होती है, मतलब जब भी आपके इंजन दोबारा बनता है तब भी आपको वो साफ़ करना ज़रूरी है। क्यों, जब जबकि आपके पार्ट चलते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर या मेस में आपको मिल जाएंगे। अभी जैसे हम इसको खोलेंगे तभी आपको दिखेगा वो, जब हम उस फिल्टर को साफ़ करेंगे। तो अभी ये हम अभी इसका जो क्लच का ये साइड है इसको खोल रहे हैं, ये पहली बार खुल रहा है तो थोड़ा इसको खोलने में मुश्किल आ रही है। अब देखते हैं, अब एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर आप हर 2,000 किलोमीटर में गाड़ी की ऑयल चेंज करवाएंगे तो आपको यहाँ पे जो पार्ट है वो अंदर कितना साफ़ है, ठीक है। वो अगर कोई इतनी देर में गाड़ी का ऑयल चेंज करवाता है ना तो उसका यहाँ पे येलोइश हो जाता है, पता लग जाता है। अब यहाँ पे भी गाड़ी की क्वालिटी देख सकते हैं, अंदर आपके पार्ट कितने सारे, आप एक बार दिखाऊँगा मैं, एक बार दिखाने से तो आप ये देख सकते हैं कि कितना डस्ट है। एक तरह से ये डस्ट कौन सा है, ये मेटल डस्ट है जब आपके पार्ट चलते हैं, ये नहीं कि वो क्लच के साथ है। कोई भी आप गाड़ी, अगर पिस्टन भी चल रहा है, नया पिस्टन डला है या कोई भी पार्ट चल रहा है तो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और एक ये साफ़ करेंगे हम, इसको मैं साइड रख देता हूँ, इसमें रख दूँ, ठीक है। एक दूसरा ये वाला खोलेंगे, इसमें भी अभी गंदगी मिलेगी हमें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन गाड़ियों में ये आती है कि ये जो पार्ट होता है ना ये अंदर होता है तो ये आपको खोलना पड़ता है। और दूसरी ऐसे जो बजाज की गाड़ियों में 100 cc की गाड़ियों में ये आपको भारी मिल जाता है तो आप भारी खोल सकते हो। ये भी क्या पेट्रोल से धोना पड़ेगा इसे, बस तो धोएंगे। हाँ भाई, ये भाई दूसरा तरीका नहीं इसको खोलने का, गरम है ना साइड में, आप देख सकते हैं इतनी गंदगी है। तो इसको खोलना बहुत अब हुआ ना साथ।
तो फाइनली बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है और जो मैंने इंजन ऑयल इसमें यूज़ किया है वो मोटुल का यूज़ किया है 10W30। तो इसमें आप लोगों की इंक्वायरी ये आ रही होगी कि ये कवर खुलने के बाद कितना ऑयल डलेगा, ठीक है। तो मोस्टली मैंने इसमें 900 ml डाला है और साथ में 100 ml एक्स्ट्रा भी डाला है और सेम ग्रेड का डाला है, क्योंकि ये जब आपका कवर निकल जाता है तो इसमें जो 100 ml जो आपके सेंट्रीफ्यूगर में रह गया है या कई पार्ट में रह जाता था इसको खोलते वक्त, तो उसको फुलफिल करने के लिए मैंने 100 ml एक्स्ट्रा डलवा दिया है, ताकि आप में कहीं भी इंजन के उसमें ऑयल स्टार्वेशन ना हो, कोई भी कमी ना आए। तो अब देखिए कि क्या हुआ है, मैंने ऑयल फिल्टर भी चेंज करवा दिया, ऑयल स्ट्रेनर भी चेंज करवा दिया। अब जैसे ये फर्स्ट मॉर्निंग स्टार्टर, मैं पहली बार ये गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टर कोल्ड स्टार्ट है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप किक से स्टार्ट करूँ, ताकि आपके स्टार्टर में या बैटरी में लोड ना पड़े। तो पहली किक में गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मुझे इंजन में जो नॉइज़ थी, जैसे जो टैपिट की या रोलर्स की, वो बहुत कम दिख रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जो स्ट्रेनर है वो आपने क्लीन कर दिया, तो आपका जो ऑयल फ्लो है वो ज़्यादा, मतलब फ्रीली फ्लो करेगा और आपको आवाज़ कम दिखेगी। एक चीज़ और नोटिस करेंगे, इंजन अब अच्छी तरह से रेव भी कर रहा है। कहीं भी ऐसे रुकावट सी नहीं है, स्ट्रेन नहीं लगता इंजन में, एंड इट इज़ फ्रीली रेविंग। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू।